सिलीगुड़ी के प्रकाश नगर इलाके का रहने वाला एक कॉलेज छात्र ने आज सेवक के कोरोनेशन ब्रिज से अचानक तीस्ता नदी में छलांग लगा दिया। छात्र का नाम ननित प्रसाद है। जानकारी के अनुसार आज सुबह अपने दोस्तों के साथ ननित बस के जरिए सेवक पहुंचा। इसके बाद अचानक ननित सेवक के कोरोनेशन ब्रिज से नदी में कूद गया। खबर मिलते ही परिवार वाले मौके पर पहुंचे। दूसरी तरफ इसकी जानकारी सेवक चौकी पुलिस को भी दी गई। इधर छात्र के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस घटना स्थल पर पहुंचने के बावजूद ननित की तलाशी के लिए स्पीड बोट को तीस्ता नदी में नहीं उतारा। बताया जा रहा है कि आज सुबह छात्र का अपनी माँ के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। सुबह में 9 बजे यहाँ से मेरा भाई है, मेरा भाई नोहित प्रसाद नाम है, तो यहाँ से सुबह में जो है ना गिर गया। गिरने के बाद हम लोग पुलिस गया, यहाँ सेवक थाना में बोले। हम लोग पुलिस लोग आया, सिर्फ रस्सी उसी लेकर आया, दिखाया, कुछ नहीं किया। वो कुछ देखा, बोला इलाज आपको नहीं मिलेगा। हम बोला सर ये इलाज कैसे हो सकते हैं, आप लोग ढूंढिए, ढूंढने से मिलेगा। बताया मेरे यहाँ पे लोकल में कोई नहीं आना ढूंढने वाला, आप पता कीजिए। हम लोग सिलीगुड़ी फ़ोन किए, बहुत नेता को फ़ोन किए, नेता लोग बोला हम फ़ोन कर रहे हैं, उससे पता कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परमिशन नहीं मिला अभी तक। हम अभी 2-3 बजने वाला, अभी हम लोग क्या करें बताइए। अच्छा, ये उनका बड़ा भाई था, ये उनका पापा है, यही सुबह गिरा है सुबह में आज ये नीचे। उसका बाद से ना पुलिस से कोई सहायता मिला हम लोग को, ना कोई नेता से मिला। अगर हम लोगों का यही हाल चल रहा, साधारण आम आदमी कैसे जिए। आज जो हादसा हम लोगों का फैमिली के साथ जो हुआ है, या दोस्त लोग के साथ जो हुआ है, आगे किसी और के साथ ना हो। और पुलिस जब भी कोई ऐसा हादसा हो, साथों साथ कार्रवाई करे।